want her to watch this. We had a deal. You thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. I'm sorry, Cassie. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज़ अलाइज में। तो एंटमैन क्वांटम मेनिया का जो ट्रेलर है वो काफ़ी ऑसम था और वन ऑफ द बेस्ट मार्वल स्टूडियोज का ट्रेलर था अब तक। मतलब इतना ऑसम ट्रेलर आज तक मार्वल स्टूडियोज ने लॉन्च नहीं किया, मे बी थॉर रैग्नारॉक के पहले ट्रेलर के अलावा और मे बी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर्स के अलावा। ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने मोस्ट ऑफ द फुटेज फाइनल फाइट से दिखा दिया है और मूवी की जो स्टोरी लाइन है वो ऑलमोस्ट रिवील हो चुकी है फैंस के लिए। लेकिन जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज में जो कुछ ट्रेलर में दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है और जो कुछ होता है वो ट्रेलर्स में नहीं दिखाया जाता। तो बात कर लेते हैं मूवी के टॉप 5 ईस्टर एग्स के बारे में डिटेल में। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो इनिशियली जो डील है कैंग और स्कॉट लैंग के दरमियान, वो डील है कैसी लैंग के साथ जो टाइम खोया स्कॉट ने उसको वापस लाने की। कैसी लैंग ने जिस टाइम में ग्रो अप किया और एडल्ट बनी उस टाइम के दौरान स्कॉट लैंग था क्वांटम रियल्म में और उसके फोन पे अभी भी पुरानी छोटी कैसी लैंग का वॉलपेपर है और स्कॉट लैंग जाना चाहता है टाइम में वापस उस कैसी लैंग से मिलने के लिए, ताकि कैसी लैंग दोबारा से बड़ी होकर ऐसी हरकतें ना करे कि उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स फंस जाएं कैंग के हाथों में। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि फैंस के मन में है एंटमैन क्वांटम मेनिया का ट्रेलर देखने के बाद वो है मल्टीपल वेरियंट स्कॉट लैंग के। तो ये सारे वेरियंट जो कि हम देखते हैं ट्रेलर में, ये सारे वेरियंट वाले वेरियंट नहीं है जो कि हमने पहले देखे हैं लोकी के शो में। लोकी के शो में किसी भी करेक्टर के जो मल्टीपल वेरिएंट्स होते थे वो होते थे किसी और यूनिवर्स से, जो कि उस करेक्टर से अलग-अलग ग्रो अप किए हों और टोटली डिफरेंट भी हो सकते हैं और टोटली सेम भी हो सकते हैं। जिस तरह के लोकी का एक वेरिएंट क्रोकोडाइल भी था और लोकी का एक वेरिएंट टॉम हिडलस्टन वाला वेरिएंट भी था। लेकिन एंटमैन क्वांटम मेनिया के ट्रेलर में देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाले वेरिएंट वो वाले वेरिएंट नहीं है, बल्कि रियल टाइम में सेपरेट हो रहे हैं स्कॉट लैंग से। तो कैंग के पास क्वांटम रियल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उसको हेल्प करती है मल्टीपल वेरिएंट्स बनाने के किसी भी पर्सन के। इसीलिए फ्यूचर में आगे जाके हम लोग देखते हैं वॉस के भी मल्टीपल वेरिएंट्स जो कि बचा रहे होते हैं स्कॉट को, और जो सारी की सारी आर्मी है कैंग की वो खुद कैंग के ही वेरिएंट्स हैं। तो वो न्यू वेरिएंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, वो सिर्फ सुनते हैं अपने मास्टर मेन वेरिएंट को। इसीलिए स्कॉट लैंग के जो सारे के सारे वेरिएंट है इस सीन में हेल्प कर रहे हैं एक प्राइम स्कॉट की ऊपर पहुंचने में रिंग्स तक। इन रिंग्स पे जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली मैच करता है 10 रिंग्स के पैटर्न के साथ और साथ साथ मिस मार्वल वाले बैंगल के साथ। तो इस बात के हाईली चांसेस हैं कि वो दोनों चीजें बनाई हो इसी कैंग के वेरिएंट ने और वो उन दोनों को वापस लेने के लिए आ रहा हो हमारी मेन यूनिवर्स में, या फिर जो दूसरा बैंगल है वो अभी भी इस कैंग के पास हो। तो इस सीन में हेल्प कर रहे हैं सारे के सारे स्कॉट के वेरिएंट पहुंचने में एक स्कॉट को ऊपर। ऐसा लग रहा है कि स्कॉट लैंग ऊपर पहुंचने के बाद पुल ऑफ कर रहा है टोनी का स्टाइल विदाउट हेलमेट, निशाना लेने की कोशिश कर रहा है किसी चीज पर। सिविल वॉर में टोनी का भी एमिंग सिस्टम खराब हो गया था और टोनी ने गुड ओल्ड एम लिया था अपनी आंखों से, और स्कॉट लैंग भी यहाँ पे यही कर रहा है इतना ऊपर पहुंचने के बाद विदाउट हेलमेट एम ले रहा है किसी चीज पर। इस सीन में हम देखते हैं जायंट मैन के एक वेरिएंट को बनते हुए स्ट्रिंग बिल्कुल मिस्टर फैंटास्टिक की तरह। तो ये एक पॉसिबल रेफरेंस हो सकता है वांडा का और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का। और देखने में ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे जो वेरिएंट है एंट मैन के और होप के, ये सब के सब डिस्पोजेबल है, इवेंचुअली इन सब की डेथ हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया ये किसी और यूनिवर्स से आए हुए वेरिएंट नहीं है बल्कि निकाले गए हमारे मेन स्कॉट लैंग और मेन होप से ही। तो इनकी डेथ ज्यादा सैड होने नहीं वाली, लेकिन इस बात के हाईली चांसेस है कि मेन स्कॉट लैंग की जब डेथ हो तो वो काफी ज्यादा सैड हो, क्योंकि अब तक ऐसा ही लग रहा है कि मूवी की एंडिंग में डेथ होने वाली है हमारे मेन स्कॉट लैंग की। और याद रहे वो मूवी के स्टार्टिंग में एक्चुअल में डील नहीं करता कुछ भी कैंग के साथ, वो 1 से 2 मिनट के लिए टेम्पटिंग ऑफर होगी अपने डॉटर के साथ वापस टाइम लेने की, लेकिन स्कॉट लैंग उस ऑफर को नहीं लेने वाला। फिर कैंग ले लेगा कैसी को एज हॉस्टेज और फिर स्कॉट लैंग वही कुछ करेगा जो कि कहेगा कैंग। उनकी जो फाइनल फाइट हो रही होती है उसमें
कैंग काफी हद तक ओवरटेक कर लेता है स्कॉट को। स्कॉट वहाँ पे काफी बैंगर डायलॉग कहता है। स्कॉट कहता है कि आई डोंट हैव टू विन, वी बोथ जस्ट हैव टू लूज। तो स्कॉट लैंग खुद जीतना नहीं चाहता बल्कि एटलीस्ट रोकना चाहता है कैंग को यहीं पर क्वांटम रियल में। लेकिन जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, या फिर अगर होगा भी तो वो सक्सेस होगा टोटली टेम्परेरी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी आने वाली है और वो बेस होने वाली है इसी कैंग के वेरियंट पर। तो जो भी स्कॉट लैंग का सक्सेस हम लोग मूवी की एंडिंग में देखने वाले हैं वो होगा टेम्परेरी। लेकिन ट्रेलर की टोन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा सीरियस है और प्रोबेबली स्कॉट लैंग को सक्सेस नहीं मिलेगा मूवी की एंडिंग में, बल्कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा बाकी यूनिवर्स को बचाने के लिए। लेकिन एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये बात रिवील की जाएगी कि स्कॉट भी जिंदा है और साथ साथ कैंग भी जिंदा है क्वांटम रियल में। इसके अलावा ट्रेलर के शुरू में जेनेट ये बात एक्सप्लेन करती है कि ये वाला कैंग का जो वेरियंट है लिख सकता है मल्टीपल टाइम लाइन को और बना सकता है। कैंग इवन दो क्वांटम रियल में है लेकिन वो क्वांटम रियल के अंदर से ही मल्टीपल टाइम लाइन को बना भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, और वो करंट टाइम लाइन को जिस पर वो है चेंज भी कर सकता है। मे बी वो इसी मेथड से बना रहा हो स्कॉट लैंग के मल्टीपल वेरियंट। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थे टॉप 5 ईस्टर एग एंटमैन क्वांटम मेनिया के ट्रेलर से। अगर आप इसका फुल ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि कैंग ने स्कॉट लैंग को हॉस्टेज क्यों लिया हुआ है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।